दोस्तों आप सभी को नमस्कार। मैं हूं जगन्नाथ मिश्रा और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है, आज हम आप सभी के सामने बात करेंगे हमारे देश में जो भी विद्यार्थी हैं उनकी एक आदर्श विद्यार्थी होते हैं उनकी क्या विशेषता होनी चाहिए, उनके क्या गुण होने चाहिए उनके अंदर, और एक जो आदर्श विद्यार्थी होता है उसकी क्या विशेषता होती है। आज इन सब बातों पे हम आपके सामने चर्चा करेंगे कि कैसे हमको होना चाहिए। तो आइए इसकी शुरुआत हम एक श्लोक के माध्यम से करते हैं, क्योंकि दोस्तों समय बदलता रहता है, टाइम आगे बढ़ता रहता है, लेकिन एक श्लोक जो होता है उसको हम जहाँ से अपने जीवन में उतारते हैं वो वहीं से हमको उसकी शिक्षा मिलती है, और वो करने का वो कभी बदलता नहीं है, समय बदलता रहता केवल। तो आइए शुरू करते हैं, हमारा श्लोक है, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथेयोचा अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। दोस्तों इस श्लोक का मतलब है कि काक चेष्टा, एक विद्यार्थी को कौवे की तरह चेष्टा होनी चाहिए, कौवे की तरह चतुराई होना चाहिए अपने लक्ष्य को पाने के लिए। जो आप मेहनत कर रहे हैं तो वो मेहनत एक कौवे की तरह चतुराई के समान भरा होना चाहिए अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, अपने ज्ञान की प्राप्ति के लिए, क्योंकि आप विद्यार्थी हैं और आपका सबसे बड़ा धर्म है शिक्षा ग्रहण करना। तो वह एक कौवे की चतुराई उसी के तरह समान होना चाहिए दोस्तों। और दूसरा है बको ध्यानम, बगुले की तरह आपका ध्यान होना चाहिए, यानी जिस प्रकार से बगुला एक तालाब में खड़े होकर एक नदी के किनारे खड़े होकर अपने शिकार पे अपना ध्यान केंद्रित करता है, मछली को पकड़ने के लिए ध्यान केंद्रित रखता है और उसका वार कभी दोस्तों खाली नहीं जाता है, उसी प्रकार से एक विद्यार्थी को अपने पढ़ाई के प्रति केंद्रित रहना चाहिए, अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहना चाहिए, और फिर तभी आप एक सफल विद्यार्थी या सफल इंसान आगे चल के आप बन सकते हैं, जब जब आप अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहेंगे। दोस्तों काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा, स्वान निद्रा का मतलब होता है एक विद्यार्थी को एक कुत्ते की तरह सोना चाहिए, जिस प्रकार से एक कुत्ता होता है कि अगर वो कहीं भी रोड पे सो रहा है, कहीं भी आपको दिखता है, रात का टाइम है या दिन, कहीं भी आप देख लीजिए किसी भी टाइम वो सो रहा है, अगर उसके पास में थोड़ी सी आहट होती है वो तुरंत जग जाता है, उसी प्रकार से एक विद्यार्थी को सोना चाहिए कि एकदम चौकन्ना होना चाहिए पूरा। जैसे आज के टाइम में लोग उठने के लिए अलार्म लगाते हैं, चार बार अलार्म बजता है फिर भी वो नहीं उठ पाते हैं, तो एक विद्यार्थी की विशेषता होनी चाहिए कि उसको कभी भी अलार्म का इंतजार ना करना पड़े, वो खुद ही इतना चौकन्ना रहे अपने पढ़ाई के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति, कि उसको खुद ही उसकी नींद खुल जाए और वो फिर से पढ़ाई करने लगे। स्वान निद्रा तथेयोचा अल्पहारी, एक विद्यार्थी को कम खाना खाना चाहिए, अल्पहारी होना चाहिए, अल्प का मतलब थोड़ा खाना, थोड़ा थोड़ा करके आप कई बार खा सकते हैं, जिससे आप जब कम खाना खाएंगे बैठ के पढ़ाई करेंगे तो आपको नींद कम आएगी, और नींद कम आएगी आप ज़्यादा टाइम तक पढ़ाई कर सकते हैं, और ज़्यादा खाना खाएंगे या आप फिर उससे मोटे हो जाएंगे, आपकी हेल्थ नहीं सही रहेगी, या पढ़ाई करने में आपको दिक्कत होगी, बैठने में दिक्कत होगी, नींद आएगी, इन तमाम प्रकार की समस्या आपके सामने आने लगेंगी ज़्यादा खाना खाने से। इसलिए एक विद्यार्थी को कम ही खाना खाना चाहिए। अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम, एक विद्यार्थी को गृह त्यागी होता है होना चाहिए। गृह त्यागी का मतलब ये नहीं कि आप घर छोड़ के चले गए हैं या घर से बाहर रहना ही गृह त्यागना, गृह का मतलब होता आप घर पे रहें या बाहर रहें, आप अपने लक्ष्य के प्रति एकदम फोकस रहना, एकदम घर पे बैठे हैं फिर भी आप एकाकी की भावना होने चाहिए आपके दिमाग में। एकाकी की भावना का मतलब कि आप अपने रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, जब आपको खाना खाने का टाइम हो, जब कोई भी काम हो उसको आप एक अनुशासित होकर आप अपना काम कर रहे हैं, एकाकी की भावना है आपके अंदर और आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस प्रकार से विद्यार्थी के अंदर ये 5 लक्षण होने चाहिए। क्योंकि अगर आपको सफल बनना है, एक आदर्श विद्यार्थी बनना है, तो आपके अंदर ये 5 गुण होने चाहिए और 5 विशेषताएं ये होनी चाहिए, तभी आप एक सफल बन सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आपके अंदर वो सभी क्वालिटी है जो एक सफल इंसान के अंदर है, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, लेकिन अगर उनकी बराबरी करना है, उन तक पहुंचना है, तो आपको अपने इस
इंटेंशन को बदलना होगा, अपने माइंडसेट को बदलना होगा। इस मॉडर्न टाइम से उठकर थोड़ा अपने आप को एक अध्यात्म से आपको जुड़ना पड़ेगा। अध्यात्म का मतलब होता है कि अपने आप को एक डिसिप्लिन, एक अनुशासित बनाना होगा, अपना टाइम टेबल बनाना होगा आपको कि कितने टाइम में कब क्या कैसे आपको करना चाहिए। और दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप सभी इन सभी गुणों को अपने अंदर समाहित करें, तभी आप एक सफल बनेंगे। क्योंकि आज के टाइम में हर कोई सफल बनना चाहता है लेकिन कुछ करना नहीं चाहता है, और सफल वही बनता है जो परिश्रम करता है। क्योंकि आप सभी को, जितने भी लोग आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, ध्यान देकर सुनिएगा, आप सभी को इतिहास रटना नहीं है, इतिहास रचना है। और आप इतिहास तभी रच सकते हैं जब आपके अंदर ये विशेषता होगी। क्योंकि मेरा मानना है कि एनी डिजायर विच इज आउटसाइड ऑफ गोल स्टेटमेंट इज लस्ट। कोई भी इच्छा आपके मन में जागृत होती है, जो आपका गोल स्टेटमेंट है, जो आपका एम है कि हमको आईएएस बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, एडवोकेट बनना है, उससे हटके अगर आप कोई भी काम करते हैं, लस्ट का मतलब ये नहीं होता कि केवल आप काम वासना में लिप्त हैं। कोई भी आपके गोल स्टेटमेंट से हटके कोई भी आपका डिजायर है, चाहे आप ड्रिंक कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, काम वासना में लिप्त हैं, या आप नशा कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा गलत काम करते हैं, वो लस्ट है आपके गोल स्टेटमेंट से हटके। इसलिए दोस्तों, अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटकना है। और स्वामी विवेकानंद जी ने एक युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए एक लाइन कही है कि दोस्तों, उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। इसलिए दोस्तों, मेरा फिर से एक बार आप सभी से यही कहना है कि इन सभी को अपनाइए। और जिस दिन आपके अंदर ये दिव्य ज्ञान, ये दिव्य विचार आपके अंदर आ जाएगा, उस दिन आपको कोई सफल बनने से कभी नहीं रोक सकता। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, मेरे इस वीडियो को सुनें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।